मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सभी बीडीओ को निर्देशित किया कि बाढ़ के दौरान जो क्षति हुई है उसका आकलन करें। इसके अलावा सचिव एवं सफाई कर्मियों को गांवों में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं और वे अपने कार्यों को पूरा करें। सीडीओ ने कहा कि सर्वे कर बेरोजगारों को मनरेगा में जोड़कर उन्हें रोजगार दिया जाएगा, उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण देकर लोगों को रोजगार मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की भी व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा, क्लोरीन की गोलियां बांटनी है और जो वहां पे हैंडपंप है उसमें भी उसको ट्रीट करना है क्लोरीन की गोलियों से। आज कैप्टनगंज में हमने देखा दो गांव में बहुत अच्छा काम हुआ और जो दवाई यूज कर रहे थे वो इतनी अच्छी क्वालिटी में यूज कर रहे थे कि उसकी स्मेल्स से पता लग रहा था कि ये अच्छे से समझ के इसको किया गया। और इसको आप जो भी आप अच्छा काम करें आप उसको मीडिया में जरूर देंगे ताकि लोगों में जागरूकता रहे। तो बाढ़ के बाद की जो कार्रवाई जो पंचायत विभाग को जो हमारे विभाग को करनी है वो उसके अगले 15-20 दिन बहुत सीरियस एफर्ट लगने हैं। बाढ़ की रिपोर्टिंग कीजिए, फोटोज मंगवाइए, सचिव और सफाई कर्मचारी इंश्योर करें कि गाँव में जाए सफाई करें। इसी ट्रेनिंग भी हुई है और एक मेरे पास अभी वो है वो जो हमारे एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है जिन्होंने बनाई है रिपीटली अभी शेयर हुई थी जो परसों ट्रेनिंग हुई है उसमें नहीं बता। दूसरा सारे वीडियोस के लिए है कल तक आवास 21-22 के जितने भी है जीरो जो टारगेट रीसेट होगा वो डे टू डे करते रहेंगे। ऐसे सर ने पर्सनली मुझे मैसेज किया ये हमारी विभाग की मीटिंग है। इसमें भी जो बाढ़ के द्वारा जो क्षति हुई है उसको कमी करने के लिए और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ करनी है हमारे विभाग द्वारा उसके लिए निर्देशित किया गया है सारे एडीओ पंचायत को और बीडीओस को। और ये इंश्योर किया गया है कि सचिव और जो सफाई कर्मचारी है वो गाँव में रहें और अपनी देख रेख में बाढ़ रिलीफ का जो कार्य है पूरा करें। और जो हमारे बाकी मनरेगा में मेरे द्वारा इंस्ट्रक्शन दी गई है जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें इसमें कहा गया है उसमें ये किया गया है कि हम लोग जो एक अभियान चला के और जिसके लिए हम लोग पहले कार्यशाला भी करेंगे, हम लोग पहले जो रोज़गार सेवक है जब मेट है वो डोर टू डोर सर्वे करके डिमांड को कैप्चर करेंगे। जो जो लोग भी जॉब जो जो मनरेगा में काम मांगेंगे उनको अगले 15 दिन में काम देना है। वर्क साइट्स पास में जहाँ भी वर्क साइट है वो उनकी डुगडुगी पिटा के अनाउंसमेंट करना है और उनको वहाँ काम देना। और वर्क साइट किस तरह से है इसको भी डिफाइन किया गया है। हम लोग जो पहले कंपोस्टिंग नाडी पिट्स बनाएंगे ये एक डिफाइंड कार्य लिया गया है। तालाबों पे काम होगा जैसे पानी घटेगा और गोट शेड और जो हमारे पशुओं के लिए जो शेड बनाने हैं उसको लिया गया है। इन सब की डिटेल जो है डिटेल्ड हमने टीए जो उसके एस्टिमेट्स बनने हैं वो भी जारी किए हैं। ट्रेनिंग्स 19 तारीख से शुरू हो रही है जिसमें ये जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट गोट शेड्स कैसे बनने हैं नाडिप कैसे बनने हैं सबकी ट्रेनिंग एसेट जनरेशन पे जोर रहेगा। साथ ही हर गांव में 15 अति गरीब परिवारों को चिन्हित करके अगले 100 दिन का रोजगार दिया जाए। 42,000 के करीब लिस्ट वहाँ से भी आई है शासन से भी जो उन्होंने हमारा डेटा एनालाइज करके दिया उनको भी पूरे गोरखपुर में दिया जाएगा। तो मनरेगा पे हमारा फोकस है। इसके अलावा जो हमारा आजीविका मिशन चल रहा है उसमें भी हर गांव में हमें कम से कम 2 समूहों को एकदम जो जीवित करके या जो पहले चल रहा है उसको हर स्तर पे मदद करते हुए एक परफॉर्मिंग ग्रुप बनाना है जिसमें हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देंगे, उनको बचत के लिए इनकरेज करेंगे, बचत के सापेक्ष 10 गुना लोन भी दिलाएंगे और जो भी अपना प्रोडक्ट बनाएंगे उसको मार्केट से लिंक करना है। इसके लिए भी कार्यशाला प्लान कर ली गई है जो आने वाले दिनों में आपको दिखेगी कार्यशाला होते हुए। पंचायती राज विभाग द्वारा जो 40 गांव चिन्हित किए गए हैं जिसमें सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया जाएगा। 3 कंसल्टेंट हायर किए गए हैं, उनकी जो कार्यशाला है कल से शुरू हो रही है, उनके द्वारा कार्यशाला जिसमें प्रधान रहेंगे उन 40 गांव के और सचिव रहेंगे और बाद में हम लोग नीचे तक जाते हुए हर को ट्रेनिंग देते हुए अगले 6 महीने में उसको पूर्ण भी करेंगे।
फंड बेस्ट मैनेजमेंट का जो प्लान चला उसमें क्या खाद भी बनाने का ट्रेनिंग दिया जाएगा? हाँ, उसमें खाद एक कंपोनेंट है, लेकिन पूरे गांव का किस तरह से जो जो हमारा ये ठोस कूड़ा निकलता है और तरल जो हमारा पदार्थ निकलते हैं उनका प्रबंधन भी उसमें इन्वॉल्व है, ताकि उससे हम लोग एक गाँव के लिए, पंचायत के लिए इनकम भी जनरेट कर सके। बहुत ही प्रोफेशनल्स को इसमें लगाया जा रहा है ताकि उनको पूरी ट्रेनिंग दे के जो जमीन स्तर के अधिकारी जो काम करेंगे और पंचायतें जो काम करेगी, प्रधान जी जो काम करेंगे, ताकि उनको पूरी सपोर्ट दे दिया जाए। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पूरे यहाँ विकास भवन से सपोर्ट किया जाएगा, और जो कंसल्टेंट थे आज उनके साथ मीटिंग पहले हो चुकी है और कल से सर्वे स्टार्ट होगा।